जिले में अतिवृष्टि और कीट व्याधि से खराब हुई फसलों का केंद्रीय दल ने बुधवार को निरीक्षण किया। कीट व्याधि से हुई फसल क्षति के आंकलन के लिए भारत सरकार की इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम में संयुक्त संचालक IPMN सत्यनारायण एवं अवर सचिव घनश्याम मीना आए थे। जिला प्रशासन की ओर से कलेक्टर दिनेश जैन ने फसलों की स्थिति से अवगत कराया। इस दौरान संयुक्त संचालक कृषि DK पांडे, क्षेत्रीय केंद्रीय एकीकृत नाशजीवी प्रबंधन केंद्र इंदौर के पौध संरक्षण अधिकारी जयराम बोकले, सुश्री स्नेहा गुप्ता, कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर कायम सिंह सहित किसान मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान संयुक्त संचालक IPM सत्यनारायण ने किसानों से चर्चा करते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा उन्हें क्षेत्र में खराब हुई सोयाबीन की फसल के निरीक्षण के लिए भेजा गया है। वे निरीक्षण के उपरांत भारत सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे। उन्होंने किसानों को सुझाव भी दिया कि एक ही प्रजाति की फसलों को बार बार लगाने के कारण फसलों में कीट व्याधि के प्रति प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे घट जाती है, इसलिए किसान फसल चक्र में बदलाव लाकर कीट व्याधि पर काबू पा सकते हैं।